राजौरी के अंदर 1 अक्टूबर को एक महारैली होने जा रही है जिसमें अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं वो भाग लेंगे और इस रैली को महारैली का नाम जो है वो दिया जा रहा है और इस रैली को कामयाब करने के लिए काफी जो है वो जोर लगाया जा रहा है कि ये भी माना जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो है इस रैली को देखने के लिए आएंगे और खासकर अमित शाह का ये पहला दौरा है गृह मंत्री के बाद। राजौरी की अगर सुंदरबनी की बात करें तो वहां पे तो अमित शाह आए थे लेकिन राजौरी के अंदर अगर बात करें तो ये पहला दौरा जो है अमित शाह का है और इस रैली को कामयाब बनाने के लिए पूर्ण जो है जोर तरीके से जो है ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं चौधरी तालब जी जो MP भी रहे और मिनिस्टर भी रहे, उन्हीं से खास बातचीत करते हैं कि किस तरह की अनुमान लगाया जाए, सर क्या कहेंगे अमित शाह जी का रैली है यहाँ पर तो इस रैली में बढ़ चढ़ कर लोगों के मामला जताई जा रही है, क्या कहेंगे? हम तो एक हमारे सामने नमूना है, एक पहली रैली हुई थी जनाब मोदी साहब प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जब राजौरी की जयंती पे 1914 में आए उस वक्त इलेक्शन जहाँ असेंबली के हो रहे थे तो उन्होंने खुद कहा था एक लफ्ज, वही मैं आज भी कह सकता हूँ दोहरा सकता हूँ, उन्होंने कहा था कि मैंने बड़ी रैलियाँ देखी हैं लेकिन राजौरी की रैली जैसी मैंने कोई रैली नहीं। मैं सोचता था कि शायद वो तादाद के एतबार से कह रहे हैं, बहुत जमे गफीर इकट्ठा हो गया यहाँ राजौरी की धरती पे और सब लोग आ गए, सब वर्गों के लोग आ गए और बहुत बड़ा अजीम शान जो है यहाँ जलसा हुआ राजौरी की। तो मैं सोचता था कि इन्होंने इस रैली को स्पेसिफिकली इतना बड़ा क्यों कहा, उन्होंने कहा यह रैली इस वजह से सबसे बड़ी है जो मैंने जिंदगी में देखी है कि इसके 3 पहलू थे, एक ये जो मेरे सामने लोग बैठे हैं लाखों की तादाद में, दूसरे वो लोग जो इस दरिया के पास जिनको जगह नहीं बैठे कि मेरी को दरिया में खड़े, तीसरे लोग जो है दरिया के पार जो है ये जंगल जो है इसके दामन में लोग खड़े हैं, तो ये 3 जो है एक फेजेज में मतलब लोग खड़े हैं और इतने लोग यहाँ आए हैं देखने के लिए, 3 मंजिला जैसे बिल्डिंग होती है इस तरीके से लोग खड़े, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक मौका था और उसके बाद यहाँ की तामीर प्रति के काम भी बड़ी तेजी से उन्होंने रफ्तार पकड़ ली और आज हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शुमार है इसकी काफ़ी उन्नति हो, तो आज हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड टूटे अमित शाह साहब के आने से, क्योंकि वो हमारा नया नया तजर्बा था, नए नए हम लोग इस पार्टी में आए थे और उसको कितना बड़ा जलसा कर लिया था, तो आज तो हमें ये है कि काफ़ी सारे से कर रहे हैं काम, तो आज अमित शाह जी आ रहे हैं तो आज हम ये चाहते हैं कि वो 3 मंजिला जो जलसा हुआ था वो 4 मंजिला हो जाए, 5 मंजिला हो जाए। एक ही जानना चाहूँगा इस रैली के ऊपर अमित शाह की जो रैली है, एक तो ये माना जा रहा है कि एक नवज को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 18 लाख की आबादी 4 डिस्ट्रिक्ट में देखने राजौरी पुंछ और उसके बाद कश्मीर में 2 डिस्ट्रिक्ट जो है कुपवाड़ा बारामूला, वहाँ पे ये 18 लाख की आबादी है, माना जा रहा है कि अमित शाह नवज को तोड़ने के लिए आ रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में होने वाला है, आपको क्या लगता है? चुनाव आए, चुनाव के लिए ज़बरदस्त हमारी तैयारी, हमारे जो अध्यक्ष हैं यूनियन टेरिटरी के रविंद्र रैना जी की आपने शायद रास्ते सुनी, तो हम तो उसी लक्ष्य पे चलने की कोशिश करें कि हमें ये आइंदा असम्बली के इलेक्शन जब भी आएंगे हम भरपूर तरीके से भरपूर अंदाज से लड़ेंगे और जो उन्होंने टारगेट फिक्स किया हुआ है वो अचीव करने की हम कोशिश करेंगे। और मुझे जहाँ तक आबादी का ताल्लुक है इसमें कोई दो राय नहीं, अफरोज कहते हैं कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट हम नहीं बल्कि हम सारी रियासत किसी भी वर्ग के हों, किसी भी मजहब के लोग हों, कश्मीरी स्पीकिंग लोग हों या पहाड़ी स्पीकिंग लोग हों या गोजरी स्पीकिंग लोग हों या कोई भी जुबान डोगराज हों, कोई भी हमारा तो जो है हमारा मनताय मकसूद जो है हमारा लक्ष्य जो है हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें हमें अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने की कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। तो इस वजह से जो आपने मखसूस तौर पर कहा कि ये बेल्ट क्योंकि हमारा बहुत एक नज़दीकी बेल्ट हम समझते हैं दोबारा से इस लिहाज से कि पुंछ के साथ मिलता है बारामूला और बारामूला के साथ पारा मिलता है और इसकी कंटिन्यूटी है, तो ये एक जोग्राफिकली एक जो वन कॉम्पैक्टनेस है इस एरिया में राजौरी पुंछ
बारामूला और कुपवाड़ा, तो इस पे जाहिर है कि हर पार्टी की नजर ज्यादा होती है। तो इसी के साथ अगर बात करें तो आपका एक कद काफी ऊंचा है, आपको खाली राजौरी ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में आपका एक नाम जो है ऊंचा है। अगर खासकर गुज्जर कमेटी की बात करें तो आप गुज्जर कमेटी के लिए बड़े नेता हैं, जो बड़ा चेहरा माने जाते हैं। पिछले दिनों गुज्जर समाज की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया स्टेटस को लेकर, और इस रैली के ऊपर भी पहाड़ी तबका जो है उसकी नजर थी कि अमित शाह जी आएंगे और राजौरी में या बारामूला में अनाउंस करेंगे कि एसटी का दर्जा जो है वो मिलना चाहिए जी। आप क्या चीज मानते हैं? मैंने अपने जो माफी जमीर है, कॉन्शियस जो है मेरा और मेरी थोड़ी बहुत जो सोच है या सियासी एनालिसिस है, तजर्बा दुनिया उसको कहेंगे, उसके हिसाब से मैंने अपने पार्टी के लीडर्स को कहा कि आप इस तरीके से इनको शेड्यूल ट्राइब दे दो पहाड़ियों को ताकि गुजरों को नुकसान हो। ये मेरा मैंने ये भी सुना कि आपने दिल्ली में आपकी अपनी मीटिंग की, उसमें भी आपने जोरदार आवाज गुजर की थी। जी जी बिल्कुल मैंने की थी और मुझे पहाड़ियों ने कुछ नहीं बुरा कहा, और उसमें ये है कि हम ये चाहते हैं, देखिए हमारा जो स्टेट ये जो स्टेट थी पहले, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ड्यूटी बनी। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है हमारा बना है यहाँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल ट्राइब की आबादी है और उसको विज अविज जो मतलब पूरी यूटी की आबादी, उसके हिसाब से उसके तनासब से जो है वो रिजर्वेशन देने। मिसाल के तौर पर 1,25,00,000 हैं हमारी आबादी जम्मू कश्मीर यूपी, और अगर गुजरों की आबादी 10,00,000 थी तो 10,00,000 के एतबार से 9 सीटें बनती थी। मतलब अब ये मानते हैं अगर स्टेटस दे दिया जाए तो मतलब जो गुजर कमेटी है उसके पास जो स्टेटस है उसको छेड़छाड़ किए बिना स्टेटस मिल जाता है। बिल्कुल मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली हम पहाड़ियों को इतना ही परसेंट जितना परसेंट 9% मसाल के तौर पर बनता है सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन बनता है। 10,00,000 है आबादी की, जो 2011 की जनगणना है सेंसस, पहाड़ियों की ज्यादा भी हो सकती है गुजरों से, लेकिन हम मान के ये चलते हैं 10,00,000 की पहाड़ी भी, तो 9 उनका हक बनता है कि उनको भी 9 सीटें मिले। मेरा एक आपसे असली क्वेश्चन है, गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपनी पार्टी का अनाउंस जरूर कर दिया जी, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद कहने के बाद कुछ और भी बदलाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो मेरा मानना है। तो अलबत्ता वो आए हैं, डेमोक्रेसी है, इसमें हर एक को अपना आप आजमाना चाहिए, अपना कद आजमाना चाहिए, अपनी सोच जो है वो लोगों तक पहुँचानी चाहिए, अपना जो मतलब है ऑब्जेक्टिव है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है किसी पार्टी को अचीव करना है। अगर वो आएंगे, अगर लोगों को वो बतलाएंगे कि उनके सामने कुछ बड़े बड़े मकासद हैं, बड़ी बड़ी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, तो लोग फैसला करेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है कि जैसे मेरा अपना छोटा मोटा तजर्बा उसके हिसाब से कह सकता हूँ, अभी ये बीजेपी तक पहुँचने के लिए ऐसी जो छोटी पार्टी है बड़ा काफ़ी समय हमारा असल मुकाबला करने वाला। तो आप सुन रहे थे चौधरी तालू साहब, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर गुजर कम्युनिटी की एसटी के साथ छेड़छाड़ किए बिना अगर पहाड़ियों को एसटी के साथ दर्जा मिल जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा है कि अमित शाह की रैली पे भी बढ़ चढ़ के लोग जो है वो भाग लें और अमित शाह को सुनने के लिए जरूर आए। लीडी जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ में अमित शर्मा, राजौरी।